Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 10A, question number 18. आज की जो क्वेश्चन चूज किया गया है वीडियो के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो इससे प्रीवियस वीडियोस में आप जो क्वेश्चंस करके आ चुके हैं. पढ़ते क्वेश्चन को. इन द डायग्राम BE पैरेलल टू BC, यानी ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और एंगल ABAC यानी यहां बनने वाला एंगल क्या है 30 डिग्री, और ACO इज 128 डिग्री, यानी यहां बनने वाला एंगल क्या है 128 डिग्री है. फाइंड ADE, यानी आपको ये कैलकुलेट करना है. फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, DBC. क्या कैलकुलेट कर, DBC. फिर आपको निकालना है ECB, और इन द लास्ट क्या कैलकुलेट करना है AED. तो अगर गौर से देखा जाए इस क्वेश्चन में, यहां पे जो एंगल्स है जो फाइंड आउट करने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस पे है, लेकिन डिफरेंट पैरेलल लाइंस पे. जब डिफरेंट पैरेलल लाइंस में हो, आइडेंटिकल पोजीशन हो, तो आप कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग या ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस नीचे वाले को ऊपर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं. आइए सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं. यहां पे एंगल है 128. अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूं, तो ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो सकता है. तो मैं लिखता हूं 128 डिग्री प्लस एंगल CEF, इसको मैंने नाम दे दिया एफ का, इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री. किसके बराबर है 180, यानी इन दोनों लाइंस का जो इन दोनों पैरेलल लाइंस में अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं, इनको सम करो तो जवाब किसके बराबर आता है, जी 180 डिग्री के बराबर आता है. तो एंगल CEF इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री. तो एंगल CEF यानी ये वाला एंगल 128 माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आता है 52 डिग्री. क्या आ गया आपके पास, 52 डिग्री. अगर ये 52 डिग्री है, तो यहां बनने वाला एंगल भी क्या होगा, 52 डिग्री. रीजन क्या होगी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो मैं कह सकता हूं एंगल AE, यानी ये वाला एंगल और AED इक्वल है किसके, एंगल CEF के. रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल AED इक्वल्स टू 52 डिग्री. अब अगर आप गौर से देखें, यहां बनने वाला एंगल 52 डिग्री है, तो फिर यहां बनने वाला एंगल भी क्या होगा, आइडेंटिकल पोजीशन पे है, दूसरी पैरेलल लाइन पे, सेम ट्रांसवर्सल लाइन, डिफरेंट पैरेलल लाइंस और आइडेंटिकल पोजीशन. यहां बनने वाला एंगल आपके पास ACBB किसके बराबर होगा, 52 डिग्री के. तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ACB इक्वल है एंगल AED. एंगल ACB इक्वल है 52 डिग्री के. रीजन क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. हमने ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिए,
अब अगर गौर से देखें, आपके पास एक छोटी ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है आपको, ये ट्रायंगल, इसका नाम है ए डी ई। अगर इसके तमाम एंगल्स को सम करूं तो मैं ये वाला एंगल मालूम कर सकता हूं, जी कर सकता हूं। आइए चलते हैं, 30 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस एंगल ए डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए डी ई प्लस इन दोनों के ऐड कर लेंगे, आपके पास बनता है 82 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से माइनस हो जाएगा यहां आके 82 डिग्री, तो आपके पास क्या बचेगा? 98 ए डी ई 98 डिग्री। आपने ये वाला एंगल निकाल लिया 98 डिग्री। अब जरा गौर से देखिए, जो एंगल यहां है वही एंगल इस जगह आ सकता है, जी बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन। तो आप क्या कह सकते हैं? ये एंगल बराबर है इसके बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए, अब मुझे निकालना था, मैंने ए सी बी कैलकुलेट कर लिया, ए ई डी कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद ए डी ई भी कैलकुलेट कर लिया। अब आखिर में मेरे पास रह गया एंगल डी बी सी। तो एंगल डी बी सी इक्वल्स है एंगल ए डी ई के। रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। डी बी सी इक्वल्स टू 98 डिग्री। आज की इस वीडियो के अंदर हमने चार अननोन फाइंड किए, कुछ इंटीरियर एंगल की मदद से, फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की मदद से, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आइडेंटिकल पोजीशंस पे एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। यहां बनने वाला एंगल इसके बराबर था तो ये निकाला 52, यहां आ गया। फिर ये 98 निकाला तो यहां बनने वाला एंगल भी किसके बराबर आ गया? 98 के बराबर आ गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा याद होगा तो ये मुश्किल दिखने वाले सवाल पे आप बहुत इजी से सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन क्वेश्चंस को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अल्लाह हाफिज़।